मुरादाबाद के ब्राइट स्टार हॉस्पिटल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये वीडियो आईसीयू के अंदर का है। इस वीडियो को एक मृतक के तीमारदार द्वारा बनाते हुए तीमारदार ने साफ तौर पर दिखाया है कि उनके मरीज की मौत घंटों पहले हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें नहीं बताया गया और उसकी बॉडी को यथावत आईसीयू के बेड पर ही छोड़कर डॉक्टर और स्टाफ नदारद हो गए। इस वीडियो के सामने आने के बाद मुरादाबाद के इस चर्चित हॉस्पिटल की घोर लापरवाही उजागर हो रही। ये वही हॉस्पिटल है जिसमें कोविड के समय एक साथ 6 मरीजों की मौत के बाद तीमारदारों ने जमकर हंगामा किया था, जिसकी अभी भी जांच चल रही है। लेकिन इसके बावजूद मुरादाबाद सीएमओ डॉक्टर एमसी गर्ग ने इस वायरल वीडियो और ब्राइट स्टार हॉस्पिटल की लापरवाही पर सवाल किया गया तो वो जांच कराने की बात कहकर पल्ला झाड़ते नजर आए। वही हॉस्पिटल ने इस वीडियो को सोमवार की रात उस समय का बताया है जब 3 डेंगू मरीजों की मौत हो गई थी और तीमारदारों ने हंगामा काटते हुए हॉस्पिटल में हंगामा काटा था। ये वीडियो भी किसी ने उसी समय बनाया था। मेरा नाम मुकेश कुमार है। आप यहाँ के आर्टिस्ट पोस्ट हैं? मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ यहाँ पे। आपको हॉस्पिटल का एक वीडियो वायरल है मंडे का बताया जा रहा है, जिसमें एक बॉडी पड़ी हुई है, वो जो तीमारदार है वो कह रहा है कि घंटे पहले डेथ हो गई थी, उसका एलिगेशन है था। क्या है वीडियो की सबसे आपने देखा होगा वीडियो? और वीडियो मैंने आज सुबह ही देखा है, एक्चुअली मेरे पास भी आज सुबह ही आया है, तो मैंने उसको फाइंड आउट किया। उनके एलिगेशन के वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है या ऐसा कुछ एलिगेशन है तो वो गलत है, क्योंकि जिस उनको पूरा सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं उससे पहले डॉक्टर द्वारा स्टाफ द्वारा, और जब उनको एक्सप्लेन किया गया कि आपका पेशेंट जो है थोड़ा रिस्क में है, खतरे में है और ये सब समझा नहीं है, तो उसके बाद उन लोगों ने हंगामा शुरू करना किया है। और हमारे पास सारी फुटेज हैं और बहुत सारे लोग आईसीयू में वहाँ वार्ड में घुस गए हैं और स्टाफ के साथ भी उन्होंने जो है जब अभद्र व्यवहार करना शुरू किया है, तब वो लोग स्टाफ हुआ उनसे डर के, उनके व्यवहार से डर के और थोड़ा साइड से इधर उधर अपनी अपने अपने आप को बचाते हुए हुआ है। अदरवाइज पेशेंट की पूरी देखभाल की गई है, उसका हमारे पास पूरी फुटेज है जब कब पेशेंट के अटेंडेंट को बताया गया बुला के कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, सारी डिटेल्स में हमारे पास अवेलेबल है और स्टाफ भी वहाँ पे है, आपको मूव कर आपको देखते हुए पेशेंट को अटेंड करते हुए दिख जाएगा। अगर आप देखना चाहेंगे तो हम उसको भी आपको दिखा देंगे। वो एलिगेशन लगा रहा है कि डेथ हो गई ये 1.5 घंटा पहले, ये उनका एलिगेशन गलत है कि उनकी डेथ होगी, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी सीरियस कंडीशन में आया हुआ था और उनको जब शिफ्ट किया गया था तब भी उनको बताया गया था इमरजेंसी से लेते हुए कि आपका पेशेंट खतरे सीरियस कंडीशन में है। तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट को 1 घंटे तक एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पेशेंट को बताया जाता है, डॉक्टर टाइम अटेंडेंट को बताते हैं अभी पेशेंट की कंडीशन कैसी चल रही है, सारी चीज़ें। ये वीडियो जो है मुझे लगता है कि उसी समय का है जब पेशेंट इन लोगों ने हंगामा किया है और उस समय वहाँ कोई भी मतलब स्टाफ डर के साइड से इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए हट गया है वहाँ से भीड़ भाड़ को देखते हुए। मैं उनको अभी पूरी तरह से पहचान नहीं पा रहा हूँ, पेशेंट की बॉडी किन की है, चेहरा अभी मैं उसको पूरी सही से नहीं देखा है। ये जब हुआ है ये 1.5 घंटे के एपिसोड में ही मतलब पुलिस आ गई है, फिर उन्होंने बॉडी को शिफ्ट करा दिया है, ये लगभग यही है। श्रीमत साहब, ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में 3 डेथ हुई थी सोमवार की रात में, आपसे जांच की बात आप कह रहे थे, क्या स्थिति है आज? डेथ ऑडिट कराया गया था, उसमें एक डेथ जो है मिन्नी नाम की कटघर क्षेत्र की, वो डेंगू पॉजिटिव पाई गई है, शेष मरीज आपके डेंगू पॉजिटिव नहीं। लेकिन अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि तीनों डेंगू के पेशेंट थे, ये हम अपने डेथ ऑडिट की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। सिंह साहब, एक सवाल होता जी, वहाँ के आईसीयू का एक वीडियो वायरल हो रहा है तेजी के साथ, एक डेड बॉडी पड़ी हुई है उसमें और पेशेंट के जो तीमारदार है वो कह रहे हैं कि घंटों पहले मर गए, लेकिन लापरवाही की जा रही है। वेंटिलेटर पर बॉडी रख रखी है आईसीयू में और बॉडी की डेथ थी वो, और उसको वेंटिलेटर लगाकर 1 घंटे लोगों से पैसे लूटे गए, वो आरोप है वहाँ से माधव, वीडियो में कहा गया। आपकी तरफ से किस तरह की जांच होगी? नहीं, अभी तक तो हमारे सामने ऐसा प्रकरण आया नहीं है, प्रकरण आएगा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।